लोकसभा में चर्चा तो फैमिली कोर्ट पर हो रही थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से, क्योंकि हापुड़ जिले की जमीन ऐसी है, यहाँ का पानी ऐसा है कि अपनी बात को हम लोग अच्छे तरीके से इधर उधर से घुमा के अपनी बात रखने में हम लोग इसलिए मैंने फैमिली कोर्ट बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए, जबकि मैं आपको बताऊं कि विपक्ष का सांसद होने के नाते हम लोग बायकॉट किए हुए थे संसद, क्योंकि हम देश में महंगाई पर चर्चा की मांग पहले दिन से लोकसभा में काम कर रहे थे और हम सदन अटेंड नहीं कर रहे थे। लेकिन क्योंकि हापुड़ जिला बार एसोसिएशन ने जो हमें अपना ज्ञापन दिया और जब हमने देखा कि सरकार अधर्महिता के चलते सदन चला रही है, कुछ हमारे सांसद विपक्ष के सांसदों को भी सस्पेंड कर दिया और इत्तेफाक से पहला बिल जो था वो कानून मंत्री का ही बिल आ गया सदन के अंदर, तो मैंने दिल पर पत्थर रखते हुए कि भाई ठीक है सदन का बायकॉट तो हमारा जारी है, लेकिन ये जो समस्या है अधिवक्ताओं की, ये जो समस्या है लिटिगेट्स की, खाली आपकी समस्या नहीं है, मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूं आपको जिले के अधिवक्ताओं को कि इस आंदोलन को करें, आपसे ज्यादा समस्या तो लिटिगेट्स की है, जो लिटिगेट्स बेचारे आते हैं उनकी ज्यादा समस्या है। लेकिन आपने बेला उठाया तो मैंने वो दर्द दुख दर्द देखते हुए मैं सदन का बायकॉट में शामिल था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपना भी फेस सेव करते हुए मैंने पहले तो मैंने कहा जो आदरणीय स्पीकर साहब शुरू करके चले गए, तो हम आप जानते हैं कि पैनल होता है चेयरमैन, तो मैंने कहा ये बात मेरे तो ही ना आए, तो पहले तो मैंने जो विपक्ष की दूसरी पार्टी डीएमके के जो सांसद जो पैनल में है स्पीकर के ए राजा, मैंने उनसे कहा कि आपकी ड्यूटी है आप जाएंगे क्या, तो उनको कन्विंस किया पहले चेयर पे तो बिठवाया उसके बाद मैं भी चला गया और मैंने जो है अपनी बात वहां अच्छे तरीके से रखी, उसको रिपीट करने की यहां आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो कई साथियों ने वो क्लिप देख ली होगी, देखिए मतलब अजीब है इस देश में सिस्टम जो है, जिस जगह पर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाने की मांग कर रहे हैं वो जगह किसानों की है, किसानों से डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किस भाव ली होगी, किसानों को क्या पेमेंट किया होगा ये भी आप जानते हैं, और जब उस जगह को इस जिले के किसान इस जिले के आम आदमी के काम के लिए एक्वायर करनी है भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनेगा तो उससे तो जिले की जनता को ही फायदा होगा ना, तो जनता का काम, उसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी 132 करोड़ कितने 144 करोड़ रुपए मांग रही है भाई, डेवलपमेंट अथॉरिटी भी आप हैं सरकार भी आप हैं, ना ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो बात तो बराबर है, तो काहे के लिए डिले हो क्यों रहा है। मैंने ये बात आपको याद दिलाऊं 2019 में भी मैंने एक सवाल किया और इत्तेफाक से उस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी सदन में बैठे हुए थे, देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी थे, मैंने सवाल किया उनके साथ, वो सवाल तो व्यापक था लेकिन मुझे घुमा करके जैसे मैंने कहा हापुड़
लोगों के पानी में ऐसा है आप लोग हम लोग कि हम अपनी बात को कहीं ना कहीं से घुमा के ले आते हैं। तो मैंने सवाल किया उनके साथ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग दशकों से मांग कर रहे हैं और जायज मांग, पूरे देश के अंदर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर कहीं भी इतना लॉन्ग डिस्टेंस हाई कोर्ट का नहीं है जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का है जो हापुड़ से या सहारनपुर से चलकर के इलाहाबाद जाना पड़ता है। पूरे देश में कहीं नहीं है, हाई कोर्ट की सीमा जो है इतनी दूर कहीं नहीं है पूरे पूरे देश में। लेकिन क्या हुआ ऐसा? पहले लोगों को ये उम्मीद थी, ये बहाना रहता था कि साहब प्रदेश में सरकार किसी की है, प्रदेश वाली सरकार तो जाती है, देश वाली भी जाती है। फिर कहते देश में किसी की है, केंद्र में किसी की है, प्रदेश में किसी की है, वो तो चाहते हैं, ये नहीं चाहते। भाई हमें क्यों फिर कौन बना रहे हो पश्चिम उत्तर प्रदेश के? सियासत आप करो, आप जानो, हमें तो जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता का हक है, जो यहां की जनता का दर्द है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने कितनी कुर्बानी दी है कि इस क्षेत्र में हाईकोर्ट की बेंच होनी चाहिए, लेकिन कान पे झूम नहीं रहे। मैंने सवाल किया, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी भी यहां बैठे हैं और रविशंकर प्रसाद जी आप अच्छे क्योंकि खुद वकील हैं अच्छे रहे हैं वो हैं और लॉ मिनिस्टर में बनके साहब आप इस मांग को करिए, आपकी पार्टी भी मांग करती है, ऐसा नहीं कि आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हो। भाई आपकी पार्टी भी इस आंदोलन में लगातार साथ दी, पार्टी की भी मांग है, सरकार आपकी है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, और ऐसी सरकार है प्रचंड बहुमत की सरकार है प्रदेश में भी और देश में भी, तो खाली एक इशारा करने की देर है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच क्यों ना बने। लेकिन क्या कह रहे साहब, मैं ज्यादा पूछना कहते हुए मैं आपके इस आंदोलन को, इस आपकी इस जायज मांग को, जो कि 100% जायज मांग है ये कि हापुड़ जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनना चाहिए, उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी पैसे की जरूरत है वो प्रदेश और देश की सरकार को, केंद्र की सरकार को इंतजाम करना चाहिए। मेरे से जब मैं बोल रहा था आपने शायद वो कैमरा चलता है लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में तो वो एक की तरफ रहता है, मैं आपको बता दूं कि जब मैं बोल रहा था अब बोल के निकला तो बोलते वक्त भी सरकार के कई मंत्री जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते और जब मैं बाहर निकला तो खुद केंद्रीय कानून राज्य मंत्री ने मुझे बधाई दी, बोले दानिश भाई, और मैं कई लोगों के ऐसे नाम नहीं ले सकता जिन्होंने कहा साहब हमारी तो मजबूरी है लेकिन आपने हमारे दिल की बात कर दी। केंद्र सरकार के जो मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश से सरकार में है उन्होंने मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने मेरे से कहा कि साहब आपने हमारे दिल की, हम भी इस मांग के साथ हैं लेकिन हमारे पैरों में भेड़ियां पड़ी हुई हैं, हम तो पैरों में भेड़ियां डालते हैं साहब, हम तो जो हक की बात होती है उस बात को हम करते हैं, चाहे पार्टी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे देश का प्लेटफॉर्म हो, चाहे अपने घर का ही प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, जो सही बात है वो करनी चाहिए और हमने की है और हम आगे भी करेंगे, क्योंकि हापुड़ जिले के अधिवक्ता कोई खैरात नहीं मांग रहे, हापुड़ जिले के लिटिगेंट्स कोई खैरात नहीं मांग रहे और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र मेरे भी
यहाँ पर तकरीबन 35 से 40% जनता इस मांग से जुड़ी हुई है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। हापुड़ जिले में 2.5 विधानसभा है, एक हमारी है, एक आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी की है और एक वीके सिंह जी की, और आदि वीके सिंह जी की आदि है कि मुझे आदि का आदि धोनाना क्षेत्र में धोनाना जो है आदि है, तो मैंने तो उठाई है। इसलिए मैं जो बात बोलता हूँ बड़े सोच समझ के बोलता हूँ। मैंने लोकसभा के प्रोसीडिंग में रिकॉर्ड कर ये कहा आपको ध्यान में कि 40% हापुड़ जिले का प्रतिनिधित्व मैं भी करता हूँ। ये कहा मैंने, और मैंने वो मुझसे किसी का अरे साहब 3 विधानसभा है आपकी, तो एक विधानसभा विधानसभा 2.5 है हापुड़ जिले में, 3 नहीं है 2.5 है, तो उस हिसाब से 40% हमारा है। खैर बात, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ऐसी समस्या से अवगत कराया। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि का तो फर्ज ही है, हमारा तो काम ही है कि अगर हमारे कानों में कोई जायज समस्या आ गई तो उसको सही प्लेटफॉर्म पर हम उठाएं, उसका निदान कराने की कोशिश करें। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि जो मैंने आपसे वादा किया, बल्कि अभी जब हम आ रहे थे तो हमारे पीए ने कहा, जब हम निकल रहे थे बोले साहब वो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के यहाँ से फोन आया 3 बजे आपका अपॉइंटमेंट है। तो अब क्योंकि मेरे साथ धर्म संकट का मामला था, मैं यहाँ आपको टाइम दे चुका था, तो मैंने उनको मैं कहा कम्युनिकेट कराया कि आज नहीं, आज तो मैं कॉन्फ्रेंस ही जा रहा हूँ, कल या सोमवार में किसी भी दिन जब मंत्री जी फ्री रहेंगे तो मैं आपके से मिलूंगा। तो ऐसी बात नहीं है, आपकी दुआओं से आपके आशीर्वाद से हम विपक्ष के सांसद जरूर है, और लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होती है उस भूमिका को अच्छी तरीके से समझते हैं और उसको निभाने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं, तभी देश का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। अगर वाद संवाद नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं, और आप लोग तो सब लोकतंत्र के जो है सजग प्रहरी हैं। आप तो लोकतंत्र असली मतलब लोकतंत्र को देश में बचाना है तो आप लोग हैं, और मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी ये समस्या आपकी नहीं, ये समस्या हमारी है, हम सब की, और इसको का निदान करने के लिए हमसे जो हो सकता है, और मैं आपसे वादा करता हूं एज अ मेंबर पार्लियामेंट आपका भाई होने के नाते दानिश अली आपके डिस्पोजल पर है, जब चाहे जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करें। फिर आपको बधाई देता हूं कि आप इस आंदोलन को चला रहे हैं, आप एक जायज मांग कर रहे हैं, मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस अपनी मुहिम में जल्द से जल्द कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।